हम लोग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या चीज़ है। एमएस वर्ड में रिज्यूम वगैरह बनाना, लेटर हेड वगैरह बनाना, इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाना, या एक इनवॉइस वगैरह बनाना, या कैलेंडर डिजाइन करना, ये सब सारी चीज़ें किसके अंदर होता है? एमएस वर्ड के अंदर होता है। अभी वर्ड में हम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं? सिक्स मेथड होते हैं। अब सिक्स मेथड में से जो फाइव मेथड्स हम लोग देखे ऑलरेडी, हम लोग नोट पैड है उसमें, हमें प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं कि नोट पैड कितने मेथड से हैं ओपन होते हैं। सेम उसी तरह से ही कोई भी एप्लीकेशन हो, सिक्स मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। जैसा नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, सेम वैसा यहाँ पर हम लोग क्या वर्ड भी स्टार्ट करेंगे सेम मेथड से सिक्स। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन विंडो आर करके देखेंगे, बाकी पांच मेथड जो है आप लोग अगर देखना है तो नोट पैड पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सिक्स मेथड कैसे ओपन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, विन वर्ड। विन वर्ड डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया विन वर्ड है ना, स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसके देखिए इंटरफेस है, इंटरफेस आ गया है यहाँ पे। तो हम मोर टेम्पलेट्स है, अगर आपको टेम्पलेट्स में लेना है तो मोर टेम्पलेट्स पे जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है ना, बिजनेस कार्ड हो गया, फ्लायर हो गया, लेटर, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। मान लो किसी का सीवी बनाना है तो यहाँ पे क्या करोगे, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट करोगे है ना। ये क्रिएट करोगे आप इस तरह से, ऐसा हमारा एक सीवी आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसमें जो भी करेक्शन करना है हम लोग इस तरह से यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ से इसको पेज को क्लोज करते हैं, कंट्रोल डब्लू, राइट। ये हमने पेज को क्लोज कर दिया। अभी हम आते हैं यहाँ से, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे रिसेंट दिखा रहा है, पिन दिखा रहा है। रिसेंट में जो फाइल हमने सेव किया रहेगा वो दिखाएगा, और पिन फाइल जो है हमारी, अगर हम जैसा ये इंडिया है, इंडिया को हम यहाँ से पिन कर देते हैं तो ये हमें कहाँ दिखाई देगा, इंडिया पे दिखाई देगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारा क्या आया, वर्ड का, एमएस वर्ड का एक इंटरफेस आया। सबसे टॉप में हम देखते हैं टाइटल बार है, एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है, यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, या रिस्टोर, या क्लोज, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर आएंगे, न्यू ऑप्शन दिया है, क्विक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर न्यू, आपको नया फाइल लेना है तो आप यहां से ले सकते हो, या फिर ओपन करना है कोई चीज़ तो यहां से आप डायरेक्ट फाइल पे जाकर ओपन कर सकते हो, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यहां से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से ऐड कर सकते हैं। और मोर कमांड है, अगर आपको और भी कमांड ऐड करना है तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं। हम इसको अब फिलहाल तो आगे देखेंगे। यहां पे दिया है सो बिलो बिलो द रिबन, तो ये देखो ये रिबन क्या हो गया, हमारा बिलो नीचे शो करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, इसको अप में रखना है तो क्या दिया है यहाँ पे, सो अबव द रिबन, ये टॉप में दिखाई देगा। तो ये सब क्या दिया है यहाँ पे, ये पूरा हमारा क्या दिया है, रिबन है। रिबन को हाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F1, कंट्रोल शिफ्ट F1 करेंगे। देखो इस तरह से हमारा ये हिडन हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑन हाइड एंड शो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसा चाहिए अपने को, हाइड करना है, हाइड एंड शो है, जो भी चाहिए हमें यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे देखेंगे टाइप दिया है, तो अभी हमने देखा हिडन रिबन को हिडन करने के लिए हमारे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन है, लेआउट है, सब अलग अलग टैब दिए हुए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे टैब को हाइड करना है, तो कंट्रोल F1 करेंगे, हाइड एंड शो हो रहा है। तो अभी एक चीज़ यहाँ आप देखेंगे, ये हमारा क्या दिया है, एक टैब है, टैब पे क्या दिया है, अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है, एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग है, एडिंस है, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे मिलेंगे होम टैब पे, और इंसर्ट पे भी इस तरह से बहुत सारे टैब मिले, ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, रूलर दिया है, हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, आपको हॉरिजेंटल चाहिए या वर्टिकल, जो है ना, ये देखो यहाँ दिया है हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। इसका यूज क्या होता है, मेजरमेंट के लिए, या जैसे अब मान लो मार्जिन सेट करने के लिए दिया जाता है, जैसे आपको प्रिंट करना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, कितना मार्जिन सेट करना है उसके लिए कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे अभी हमें इसका ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, अगर मुझे इंचेस में चाहिए तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाके यहाँ से मोर दिया है ऑप्शन पाएंगे, यहाँ पर हमें है ना एडवांस पाएंगे, एडवांस पाने के बाद हम यहाँ से स्क्रॉल करके आएंगे, करते रहेंगे, फिर यहाँ से यहाँ देखिए क्या दिया है, डिस्प्ले दिया है, मेजरमेंट कितने दिया है, मेजरमेंट क्या दिया है सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे यहाँ पे इंचेस लेके फिर यहाँ से क्या करेंगे ओके करेंगे, देखिए इंचेस में आ गया है, ठीक है समझा। ये हमारा वर्किंग एरिया है ना, जितना दिख रहा है ये हमारा वर्किंग एरिया है। नीचे क्या दिया है, स्टेटस बार दिया है कि हमारे पास पेज कितने हैं, पेज कितने हैं और कितने वर्ड लिखे गए हैं, और यहाँ पे दिया है व्यू पैनल, हमारे पेज दिखेगा कैसा है ना, यहाँ पे जैसा प्रिंट लेआउट है, ये रीड रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, लेकिन इन तीनों में से हमें करना क्या होता है, हम प्रिंट लेआउट पे ही काम करते हैं, राइट। प्रिंट लेआउट पे काम करना, ये हमारा जूम पैनल है, यहाँ पे मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं 500, और मिनिमम कितना कर सकते हैं 10%, बाय डिफ़ॉल्ट कितना है यहाँ पे 100%, तो हमें ये जैसा का जूम इन जूम आउट करना है कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है इसके बाद स्क्रॉल बार दिया है, जैसा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें दी है। तो हमने देखा सभी इंटरफेस के बारे में, देखा कैसा किस तरह से है ना इंटरफेस वगैरह बनाता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे होम पैनल, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लिपबोर्ड सीखते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप यहाँ पे ये सब का अगर मुझे सीखना है तो हम यहाँ पे कोई लेटर टाइप करना पड़ेगा, लेटर टाइप करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे हमें कुछ पैराग्राफ मिलते हैं, तो मान लो ये पैराग्राफ में इतना सारा पैराग्राफ नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड किया तो यहाँ पे इजिकल टू आर एन डी दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स में वन पैराग्राफ या समथिंग टू पैराग्राफ लेते हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे इंटर कर देंगे, विदाउट स्पेसिंग होना चाहिए कोई ना, इजिकल टू आर एन डी में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए तो ही आएगा, अदरवाइज वो आने वाला नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे अभी कॉपी पेस्ट करना है, तो सिलेक्ट करते हैं, जैसे सिलेक्ट किया तो हम सबसे पहला कॉपी करेंगे, कॉपी किया कट करना है, आप यहाँ से कट कर सकते हो, कट कर सकते हैं जैसा चाहिए जो है ना, या वापस ये तो अंडू कर लेंगे जो भी कॉपी किया, ठीक है। अभी मुझे नीचे चाहिए तो इंटर करके आ जाएंगे, जैसा हम यहाँ से हम क्या करेंगे पेस्ट करना है, पेस्ट का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, कीप सोर्स दिया है ना, फॉर्मेटिंग दिया है, फिर इसके बाद पिक्चर दिया है, टेक्स्ट ओनली, आपको जो चाहिए इसमें से ले सकते हो है ना, तो हम फिलहाल क्या लेते हैं टेक्स्ट ओनली चाहिए, टेक्स्ट ओनली आ गया है। तो इस तरह से हम लोग ये कॉपी पेस्ट होता है। अभी मान लो यहाँ से हमने कुछ सिलेक्ट किया है, यहाँ से हम कलर दे दिए हैं, यहाँ से कलर दे दिए हैं, अब यही कलर मुझे चाहिए सभी पैराग्राफ में अप्लाई कर दूँ, तो इस यहाँ पे क्या यूज करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया सिंगल क्लिक, अब ये सिलेक्ट किया मैंने इतने किया, लेकिन क्या हुआ फिर से करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या कर मुझे मल्टीपल टाइम करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट ये क्लिक किया किधर भी यहाँ जो कलर चाहिए उस कलर पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे, फिर इसको क्या करेंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा, अभी भी देखो ये एक्टिवेटेड फॉर्मेट प्रिंटर कब तक एक्टिवेटेड रहेगा, जब तक यहाँ पर हम फॉर्मेट प्रिंटर पे रिटर्न क्लिक नहीं करेंगे तब तक, क्लियर समझा। तो हम लोग क्या देखे अभी क्लिपबोर्ड ग्रुप देखे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट।